हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को एमएस वर्ड के मतलब आगे के फंक्शन बताने वाली हूँ। एमएस वर्ड बेसिक किसके लिए? बीएससी बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इनके को कैरिकुलर का यहाँ पर टॉपिक है एमएस वर्ड बेसिक्स, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है, इसके कुछ फंक्शंस को बताया है, जैसे कि मैंने आपको वर्ड स्क्रीन क्या होती है, गेटिंग टू डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, टाइपिंग और रिवाइजिंग टेक्स्ट क्या होते हैं। तो आज मैं आप सभी को क्या बताऊँगी कि फाइंड और रिप्लेसिंग क्या होती है। ठीक, फाइंड और रिप्लेसिंग क्या होती है, तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। और आगे अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आप कैसे मतलब इसके फॉर्मेटिक टूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? एम एस वर्ड पर जाएंगे। एम एस वर्ड में जाएंगे, आपको पता है, मैंने आपको बताया, ये आपका स्क्रीन हो गया। और आप यहाँ पे जब प्लस का आइकन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये आपके गेटिंग टू डॉक्यूमेंट हो गए, इस पर आपको कुछ टाइप करते हैं तो ये आपका टाइपिंग और रिवाइजिंग टेस्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या फाइंड और रिप्लेसिंग। तो सबसे पहले हम इसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर एक टच करेंगे, और यहाँ पर मेरा डार्क में है तो मैं इसे एक बार ब्राइट में कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है और रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिखते हैं आर ए एन डी, फिर छोटा वाला ब्रैकेट। आपको कितनी लाइन की पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मुझे 5 लाइन की चाहिए पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ्स, 5 नहीं चाहिए मुझे, 2 पैराग्राफ चाहिए। ठीक, मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए। अब बस मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंटर कर दूँगी। तो देखिए मेरे यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स आ गए। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसे इसमें फाइंड और रिप्लेसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देख लेते हैं, होम पे हम रहेंगे। तो होम पे देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा फाइंड, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा होगा फाइंड, तो हम यहाँ पे फाइंड को टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइंड मिल गया। अब हम इसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हम देखना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, फाइंड और रिप्लेसिंग, फाइंड का मतलब खोजना, यानी कि आप क्या खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि यू कहाँ कहाँ पर है और कितनी बार है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखूँगी, यू, इसमें फाइंड में यहाँ लिख लूँगी वाई ओ यू। तो देखिए यू 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 जहाँ जहाँ पे भी क्या हो गया, हाईलाइट, तो इसे हम फाइंड कहते हैं। यानी कि हम कोई भी वर्ड लिखें, कोई भी सेंटेंस लिखें और हम अपनी पैराग्राफ में उसे छांटना चाहें यानी कि ढूंढना चाहें तो उसे हम फाइंड कहते हैं। और अगर हम रिप्लेसिंग, अब रिप्लेसिंग क्या होती है, यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग का एक सिस्टम दिख रहा होगा, आप इसे यहाँ टच करें। यहाँ पर देखिए आपको दिया है रिप्लेस मैच वर्ड, अगर आप कोई वर्ड यहाँ पर लिखते हैं और उसे मैच करना चाहते हैं तो मैच वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर कोई केस है यानी कि कुछ भी है तो आप उसे मैच केस से करेंगे, जैसे कि साउंड लाइक तो आपका है नहीं तो उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। जैसे यू है तो यू को मैं रिप्लेस करूँगी। रिप्लेस का मतलब जहाँ जहाँ यू है, जैसे मैंने फाइंड में यू लिखा तो जहाँ जहाँ पे यू है मैं वहाँ पर कुछ और, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ जहाँ जहाँ यू है वहाँ पर लिखना चाहती हूँ किसी का नाम लिखना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिखना चाहती हूँ श्रुति, जहाँ जहाँ पर यू है वहाँ वहाँ पर श्रुति। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक लिखा है रिप्लेस, एक लिखा है रिप्लेस आल, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे रिप्लेस आल को टिक करूँगी, क्योंकि मैं केवल एक के लिए नहीं चाहती हूँ, मैं सबके लिए चाहती हूँ। तो रिप्लेस आल करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ था जहाँ जहाँ पे था वहाँ वहाँ पर श्रुति, देखिए यहाँ पे यू था। अब जैसे फाइंड में मैं लिख दूँ फिर से श्रुति, आपको दिखा दूँ जहाँ जहाँ पर यू था वहाँ वहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, श्रुति, यहाँ पे देखिए ढूंढ के आ गया, कितनी बार यहाँ पे श्रुति लिखा है वो भी यहाँ पे 11 बार यहाँ पे श्रुति लिखा है वो आपको दिख रहा है। तो गाइस आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड और रिप्लेसिंग होता क्या है। अगर आप कुछ और भी करना चाहें, जैसे कि कोई भी मैच शब्द को किसी भी शब्द को मैच कराना चाहें तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी आप अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करें ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूँ। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।